Yo ti creo.
तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं एमिंग स्टडी में। तो आप सभी का परिवार एमिंग स्टडी में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नवजोत सिंह हाय, आदित्य पांडे बढ़िया है, जितने भी लोग हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमिंग स्टडी पर। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जेंडर पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसको बढ़िया से हम समझाएंगे क्या है कैसे है। 70-80 क्वेश्चंस आज करेंगे और फिर कल टोटल 100 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एक टेस्ट ले लेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एमिंग स्टडी चैनल में। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 0 से 1K तक पहुंचाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 0 से आपने 1K तक पहुंचाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। कितने लोग हैं जो कमेंट कीजिए। जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करने का कष्ट करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करने का कष्ट करें। आज ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करने का कष्ट करें। जितने भी लोग वीडियो को भी देख रहे हैं। मुस्कान सिंह हेलो सर हाय। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को कमेंट करने का कष्ट करें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जेंडर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर है, देखते हैं इसको। पलक सिंह हेलो सर हेलो हाय। और जो भी लोग हों, जो भी लोग देख रहे हैं अभी वीडियो को, जल्द से जल्द कॉमेंट कीजिए। जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं जल्द से जल्द कमेंट करने का कष्ट करें। जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करने का कष्ट करें। तो रोज़ 8 बजे हम लोग इंग्लिश ग्रामर की डेली क्लास लेकर आते हैं। रोज़ 8 बजे से इंग्लिश ग्रामर की डेली क्लास लेकर आते हैं। और फिजिक्स की क्लास इस वक्त बंद है। फिजिक्स की क्लास थोड़ा बंद है, साइट पर थोड़ा काम चल रही है। एमिंग स्टडी के साइट और ऐप पर काम चल रही है, इसलिए थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया है। भूटान सौरभ हेलो सर हाय हाय। भूटान जी हाय। पलक सिंह हेलो। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर पढ़ने वाले हैं। जो नाउन में जेंडर होता है वो पढ़ने वाले हैं। जेंडर ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, पर हम लोगों को कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं। आर यू फाइन सर? यस। एंड यू? सोबित कुमार हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फाइन एंड यू? सोबित कुमार कैसे हैं आप? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है बैचलर। बैचलर का कोई हिंदी अगर जानता होगा तो कमेंट में कीजिए। बैचलर मतलब होता क्या है? आप ग्रेट हो, थैंक यू। आदित्य पांडे थैंक यू, आदित्य पांडे थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहला है बैचलर। बैचलर का जो आप हिंदी किसी को पता है तो बता सकते हैं, वरना हम बताकर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बैचलर का हिंदी जिनको भी पता हो बताइए, और बताकर नहीं तो हम आगे की ओर बताते हैं हम इसका क्या होगा। बैचलर का स्पिंस्टर होता है यहाँ पर, और बैचलर का हिंदी क्या होता है कमेंट कीजिए। बैचलर का अगर हिंदी किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। कुंवारा, तो बिल्कुल सही है। बैचलर का मतलब कुंवारा होता है। स्पिंस्टर यानी मैं या फिर मैड। स्पिंस्टर और मैड का मतलब क्या होता है? कुंवारी होता है। बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जेंडर जितना पढ़ा देंगे वो काफ़ी है। शॉर्ट हो जेंडर के में बताएंगे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। तो बैचलर का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? कुंवारा। या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल पलक सिंह, बिल्कुल कुंवारा होता है। बैचलर का मतलब कुंवारा होता है, और स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? कुंवारी होता है। तो मैस्कुलिन इसका हो गया बैचलर, और फेमिनिन क्या होगा? स्पिंस्टर हो गया, याद रखिएगा आप। अगला है बोअर। बोअर मतलब क्या होता है? सुअर होता है, याद रखिएगा। बोअर मतलब सुअर होता है, याद रखिएगा। बोअर मतलब सुअर होता है। और सो हो गया जो फीमेल सुअर होता है, उसे सो कहते हैं, SOW। बोअर मतलब सुअर, और सो मतलब फेमिनिन फीमेल सुअर, ठीक है। और बॉय, बॉय का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। बॉय मतलब लड़का होता है, और गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की होता है, याद रखिएगा। बॉय का मतलब लड़का होता है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, बॉय का मतलब होता है लड़का, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। ब्रदर का मतलब होता है भाई, और सिस्टर का मतलब होता है बहन, ठीक है। बक, बक का हो जाएगा फेमिनिन मैस्कुलिन। देखिए इधर मैस्कुलिन है और इधर फेमिनिन है। इधर मैस्कुलिन है और इधर फेमिनिन है। तो ऐसे तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, पर पढ़ना है हम लोगों को 2 प्रकार के। एक मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर। तो हम मैस्कुलिन और फेमिनिन को पूरा पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, और उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर, और आगे की ओर बढ़ते हैं। बक, BUCK,
BUCK पक, बक का मतलब होता है BUCK पक का मतलब किसी को पता है तो बता सकते हैं। बक का मतलब ऐसे हिरण होता है, और जो जो होती है जय महाकाल, जय महाकाल अविनाश, जय महाकाल। तो देखिए यहाँ पर बक, बक का होता है डूइंग, ठीक है। बुल, बुल और ऑक्स, बुल और ऑक्स का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। बुल और ऑक्स का मतलब होता है क्या होता है, बैल होता है। याद रखिएगा बुल और ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल होता है। और उसका हो जाएगा बिल्कुल हिरण होता है, बिल्कुल हिरण होता है, बिल्कुल। पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो मुस्कान जी और पलक जी बहुत तेज हैं, सबका हिंदी लोगों को पता है, तो बिल्कुल ये लोग हिंदी भी बता रही हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बक का होता है डोई, बुल का काउ, बुलॉक का मतलब बताइए, जिनको भी पता हो बुलॉक का मतलब बताइए, BULOCK बुलॉक, बुलॉक का हाइफर होता है ऐसे, बुलॉक का हिंदी बताइए, बुलॉक। जिनको भी पता हो बुलॉक का हिंदी बताइए, देखते हैं जिनको पता होता है बुलॉक का हिंदी बताइए। बुलॉक का हाइफर होता है फेमिनिन, मैस्कुलिन क्या हो गया, बुलॉक हो गया, और हाइफर जो हो गया फेमिनिन हो गया। तो बुलॉक का हिंदी जिनको भी पता हो जल्द से जल्द बताइए आप लोग, जल्द से जल्द आप लोग बताइए बुलॉक का हिंदी क्या होता है, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एमिंग स्टडी को 0 से 1 के तक पहुंचाने के लिए। हम आशा करते हैं जल्द से जल्द आप लोग 100 के तक। थैंक यू आदित्य पांडे। बक का एंटोफॉन, ओके एंटो तो बता रहे हैं, ये बताइए हिंदी। तो देखिए बल पलक सिंह दे रही है आंसर, बुढ़ा बैल, बिल्कुल सही है। बुलॉक का मतलब होता है बुढ़ा बैल, और हाइफर मतलब होता है बुढ़ी बैल, बुढ़ी बैल मतलब बुढ़ी गाय, बुढ़ी गाय जो होती है उसे हाइफर बोलते हैं, बुढ़ी गाय, जो गाय बुढ़ी हो गई उसे क्या कहते हैं, हाइफर बोलते हैं। बुलॉक का मतलब होता है बुढ़ा बैल होता है, ठीक है, याद रखिएगा बुलॉक का मतलब बुढ़ा बैल, और हाइफर मतलब होता है बुढ़ी गाय, बुढ़ी गाय को हाइफर बोलते हैं, HIFER। देखिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कॉक, COCK, कॉक मतलब क्या होता है, कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, आप लोगों को जनरली पता होगा कॉक का मतलब होता है मुर्गा, और हेन का मतलब होता है मुर्गी, याद रखिएगा कॉक का मतलब होता है मुर्गा, कॉक का फेमिनिन क्या हो जाएगा, हेन हो जाएगा। जितने भी लोगों का समझ में आ रहा है या एक बार यस लिख दीजिए, जितने लोगों का समझ में आ रहा है यस लिख दीजिए एक बार, ताकि हमको ये लगे कि हाँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार यस लिख दीजिए। तो जितने भी लोगों को समझ में आ रहा है एक बार यस लिख दीजिए, जितने भी लोगों को समझ में आ रहा है एक बार यस लिखिए, जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं एक बार यस जरूर लिखिए। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जितने लोगों को समझ में आ रहा है अभी यस जरूर लिखिए। नवजोत सिंह यस, और कोई है जिनको समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, और कोई है ऐसा जिनको समझ में आ रहा है, सारा का सारा चीज़ समझ में आ रहा है, और कोई है ऐसा? तो यहाँ पर नवजोत सिंह जी का समझ में आ रहा है। तो नवजोत सिंह, जितने भी डिफेंस के छात्र अभी देख रहे हैं वीडियो को, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, याद रखिएगा, एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDA हो, या कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जेंडर जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो बिल्कुल अविनाश बोल रहे हैं यस, आदित्य पांडे यस, तो सबको समझ में आ रहा है, यानी सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए यस सर, प्लक सिंह यस सर, तो बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। देखिए कोल्ट, COLT, कोल्ट का मतलब क्या होता है, जिन लोगों जो लोग देख रहे हैं अगर चैट नहीं करने आ रहा है तो वहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ से क्लिक करके आप लाइव चैट कर सकते हैं। जिन लोगों को लाइव चैट करने नहीं आ रहा है वहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ से क्लिक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ लोग देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है कहाँ से कॉमेंट किया जाए, तो वहाँ से लाइव चैट में जाकर आप कॉमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कहाँ से कॉमेंट किया जाता है, कहाँ से आपसे बात किया जाता है, तो बिल्कुल वहाँ से लाइव चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आपको टाइप करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से टाइप करके आप हमसे बात बिल्कुल कर सकते हैं। बछड़ा, तो मुस्कान सिंह बोल रही है कोल्ड का मतलब बछड़ा होता है, मुस्कान सिंह बोल रही है और पलक सिंह बोल रही है बछड़ा बोल रही है, कोल्ड का मतलब बछड़ा बोल रही है, COLT कोल्ड का मतलब बछड़ा बोल रही है। तो देखते हैं सही होता है गलत होता है। तो बिल्कुल गलत है कोल्ड, COLT कोल्ड, याद रखिए कोल्ड,
हाँ बछेड़ा, ठीक है बछेड़ा या फिर नवयुवक भी बोल सकते हैं, नवयुवक या बछेड़ा बोल सकते हैं, नवयुवक भी बोल सकते हैं, सही है। मुस्कान सी पलक सी आपका सही है, COLT। कोल्ट का फेमिनिन क्या होता है? फिल्ली होता है, याद रखिएगा कोल्ट का फेमिनिन जो होता है फिल्ली होता है। बछेड़ी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं नवयुवक या नवयुवती, नवयुवती कोल्ट का मतलब नवयुवक बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और बिच का मतलब होता है कुतिया। आप गाली भी जो देते हैं लोग, बिच का मतलब कुतिया होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बिच का मतलब कुतिया होता है, BITCH, बिच मतलब कुतिया होती है, ठीक है। और डॉग का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं पहला क्लास से ही, D फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, याद रखिएगा आप सभी। डॉग का क्या होता है? बिच होता है, बिल्कुल आप सभी याद रखिएगा। डॉग का जो होता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, मैस्कुलिन क्या हो गया डॉग, और फेमिनिन क्या हो गया बिच, याद रखिएगा आप सभी। देखिए ड्रेक, ड्रेक का मतलब जिनको भी पता हो जल्द से जल्द कॉमेंट कीजिए, ड्रेक का मतलब क्या होता है, ड्रेक का मतलब क्या होता है, ड्रेक का मतलब क्या होता है, ड्रेक का मतलब होता क्या है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी वीडियो को, जल्द से जल्द आंसर्स देने का कोशिश करें, ड्रेक का मतलब होता क्या है, ड्रेक DRAKE, ड्रेक का मतलब होता क्या है, जल्द से जल्द आंसर देने का कष्ट करें आप सभी, आप सभी लोग आंसर्स देने का कष्ट करें, ड्रेक का मतलब होता क्या है आखिर, ड्रेक DRAKE, ड्रेक का मतलब होता क्या है। देखिए यहां पर मक्खी, ओके ये यहां पर दे रहे हैं ड्रेक का मतलब, मुस्कान सिंह गलत है, मक्खी नहीं होता है ड्रेक मतलब। और यहां पर आंसर दे रहे हैं भूटान नर बतख, तो बिल्कुल नर बतख सही है, ड्रेक का मतलब नर बतख, नर बतख पलक सी मक्खी नहीं होगा, मक्खी नहीं होगा नर बतख, बिल्कुल सही है। नवजोत सिंह बिल्कुल सही है आप सभी का, जो लोग नर बतख बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ड्रेक का मतलब नर बतख, और डक मतलब बतख होता है जो फीमेल होता है, जो लोग आप लोग जानते हैं डक मतलब बतख, तो क्या होती है फेमिनिन होती है, याद रखिएगा वो क्या होती है फेमिनिन होती है, फीमेल होती है, फीमेल होती है, ये क्या हो गया मैस्कुलिन यानी मेल हो गया, ड्रेक, ड्रेक का मतलब होता है नर बतख, नर बतख, नर बतख होता है, याद रखिएगा ड्रेक का मतलब नर बतख, और डक का मतलब बतख जो फीमेल बतख होती है उसे क्या कहते हैं डक कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ड्रोन, ड्रोन का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर्स को दीजिए कमेंट में, जल्द से जल्द आप लोग लिखिए कि ड्रोन का मतलब क्या होता है, जिनको भी पता होगा ड्रोन का मतलब बताइए, ड्रोन का मतलब क्या होता है, ड्रोन मैस्कुलिन हो गया और फेमिनिन में बी होता है, याद रखिएगा ड्रोन जो होता है मैस्कुलिन हो गया और फेमिनिन में बी होता है, BEE, बी मतलब क्या होता है नर मधुमक्खी। अश्विनी दुबे, जय हिंद सर, जय हिंद दुबे जी, जय हिंद दुबे जी, जय हिंद। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 0 से 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए, एमिंग स्टडी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 0 से 1 के तक आप लोगों ने हमारे एमिंग स्टडी चैनल को पहुंचाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर्स को दीजिए, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है, नर मधुमक्खी, भूटान जी दे रहे हैं आंसर नर मधुमक्खी, और कोई है जो राइट आंसर को दे सकता है, ड्रोन, ये ड्रोन मतलब क्या होता है सर आप इतना अच्छा से कैसे समझा लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको लग रहा है कि हम अच्छे से समझा पाते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आदित्य पांडे, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आप सभी ड्रोन का मतलब बताइए, मधुमक्खी, तो बिल्कुल नर मधुमक्खी यहाँ पर होता है, ड्रोन का मतलब नर मधुमक्खी होता है, और बी मतलब मधुमक्खी जो फीमेल मधुमक्खी होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। ड्रोन जो होता है मैस्कुलिन यानी मेल होता है, ड्रोन का मतलब होता है मधुमक्खी, जो नर मधुमक्खी होते हैं उसे क्या कहते हैं ड्रोन कहते हैं, नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी कहते हैं, बिल्कुल अविनाश जी नर मधुमक्खी बोलते हैं, और इसका क्या होता है बी होता है, क्या होता है बी, याद रखिएगा नर मधुमक्खी का जो फीमेल होता है वो क्या होता है बी होता है, बी मतलब मधुमक्खी, ये तो को पता होगा बी मतलब क्या होता है मधुमक्खी होता है, ठीक है। चलिए अगला है अल, EARL, जिनको भी पता होगा अल, अल का मतलब राइट आंसर को दीजिए, अल का क्या मतलब होता है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अर्ल मतलब राजा बोल रही हैं, मुस्कान सिंह, पलक सिंह और सभी लोग के आंसर्स देना है, अमित निषाद, जय हिंद सर, जय हिंद अमित निषाद जी, जय हिंद। बहुत लेट हो गए आप, बहुत लेट हो गए आप, 15 मिनट आप लेट हो गए। तो यहाँ पर मुस्कान सिंह, भूटान और पलक राइट आंसर दे रहे हैं, राजा बोल रहे हैं लोग, देखते हैं क्या होता है 4 नंबर यानी 13 नंबर का आंसर क्या होता है, 13 नंबर का मतलब राजा बिल्कुल सही है, राजा अर्ल मतलब राजा होता है, और काउंटेस मतलब रानी होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
अर्ल मतलब राजा भी होता है और काउंटेस मतलब रानी होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अश्वानी दुबे बिल्कुल सही है, दुबे जी आपका सही है, दुबे जी आपका सही है। फादर, फादर का आप लोग तो पता होगा, फादर का मदर, फादर का क्या होता है, मदर होता है। बिल्कुल सही है, फादर का मदर होता है। फादर क्या हो गया, मैस्कुलिन, और मदर क्या हो गया, फेमिनिन। जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, मैस्कुलिन मेल। और बिल्कुल बिल्कुल अश्वानी दुबे पापा, बिल्कुल सही है अश्वानी दुबे जी, बिल्कुल सही है आपका। फैरियर, फैरियर और मॉन्क, देखिए यहाँ पर क्या आता है, फैरियर और मॉन्क। जिनको भी पता होगा फैरियर और मॉन्क का हिंदी, आप लोग बताइए। फैरियर और मॉन्क जो होता है वो मैस्कुलिन होता है, और नून जिसको कहते हैं वो क्या होता है, फेमिनिन होता है। तो योगी बोल रहे हैं उमदानंद, यानी भूटान जो बोल रहे हैं वो योगी बोल रहे हैं, भूटान सिंह योगी बोल रहे हैं। देखते हैं किसका राइट आंसर होता है, कौन सही जवाब देता है, और कोई है जो राइट आंसर को दे सकता है, सही बोल सकता है। फैरियर मतलब क्या होता है, फैरियर और मॉन्क। तो यहाँ पर भूटान से बोल रहे हैं योगी, और कोई है जो बता सकता है सही क्या होगा आखिर, फैरियर मतलब होता क्या है, फैरियर और मॉन्क का मतलब क्या होता है। तो संत योगी सन्यासी, तो बिल्कुल सभी लोगों का सही है, संत योगी या सन्यासी जो भी कहें वो होते हैं। एनीवे नून मतलब होता है जो लेडीज सन्यासी होती हैं, लेडीज जो सन्यासी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, नून कहते हैं। एनीवे नून, नन, ठीक है। और फैरियर मतलब क्या होता है, फैरियर और मॉन्क मतलब साधु, बिल्कुल सही है, साधु संत, ठीक है। दिखावट, दिखावट नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वानी दुबे आपका गलत है, दिखावट नहीं होता है। फैरियर का मतलब दिखावट नहीं होता है, याद रखिएगा, फैरियर का मतलब दिखावट नहीं होता है, फैरियर का मतलब दिखावट नहीं होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही है सोनी दुबे जी। अगला है गेंडर, गेंडर का मतलब बताइए। जी एन डी यार, जेंडर जो होता है वो मैस्कुलिन होता है, और इसका फेमिनिन गुज होता है, इसका फेमिनिन गुज होता है, याद रखिएगा। फेमिनिन जो होता है गुज होता है, और मैस्कुलिन जो हो गया गेंडर हो गया। गेंडर का मतलब समझाइए आप लोग, गेंडर मतलब होता क्या है आखिर, गेंडर जी एन डी यार मतलब होता क्या है आखिर, जी एन डी यार का मतलब होता क्या है, जल्द से आप लोग समझाने का कष्ट करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एमिंग स्टडी परिवार को 0 से 1K तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जेंडर नहीं है, और जेंडर नहीं है, ये गेंडर है। सॉरी अश्वनी दुबे जी, आपको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि ये क्या है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या होता है, जेंडर होता है ना, कि ये जेंडर है। जेंडर मतलब लिंग सभी को पता है, वो वहीं तो पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी वहीं पढ़ रहे हैं, जेंडर मतलब लिंग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर आ रहे हैं नवजोत सिंह भूटान और पलक सिंह का, हंस बोल रहे हैं लोग, तो बिल्कुल सही है। जेंडर का मतलब हंस होता है, और गुज उसका क्या होता है, फेमिनिन होता है। फेमिनिन क्या होता है, गुज, और मैस्कुलिन जो होता है गेंडर होता है। मैस्कुलिन जो होता है गेंडर होता है, और फेमिनिन गुज होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अश्वानी दुबे, हंस बिल्कुल सही है अश्वानी दुबे, बिल्कुल सही है आदित्य पांडे, हंस सही है, गेंडर का गुज होता है। अगर कोई किसी को पता होगा गुज का पुलर कोई बता सकता है तो बता दीजिए। गुज का किस पढ़ाए हुए हैं अभी हम, गुज का पुलर पूरा सिंगुलर पुलर हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो गुज का पुलर बताइए। जिनको भी पता होगा गुज का पुलर बताइए, GOOSE गुज का पुलर बताइए। कोई किसी को पता होगा वो बता सकता है गुज का पुलर, जिनको भी पता हो बता सकते हैं GOOSE गुज का पुलर बताइए आप लोग। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं गुज का पुलर बताने का कष्ट करें आप सभी, तो GOOSE गुज का पुलर बताने का कष्ट करें आप सभी। तो देखिए यहाँ पर अमित साहब गिज 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 बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके वॉवेल को चेंज करके हम लोग प्लुरल बनाते हैं, जैसे गुज हो गया, इनको प्लुरल बनाते हैं कैसे, तो चेंज कर देते हैं वॉवेल को। बिल्कुल सही आदित्य पांडे, अविनाश, अमित निषाद, बिल्कुल सही आप सभी का, बिल्कुल सही है। अगला है जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या होता है, लेडी होता है, याद रखिएगा। जेंटलमैन का क्या होता है, लेडी होता है। जेंटलमैन का क्या होता है, लेडी होता है, याद रखिएगा। जेंटलमैन का लेडी होता है। हार्ट, हार्ट का क्या होता है, हाइंड, हार्ट का हाइंड। हार्ट मतलब होता क्या है, हार्ट मतलब होता क्या है। जेंटल मतलब दयालु होता है, जेंटल मैन मतलब दूसरा चीज हो गया, दयालु जेंटल मतलब होता है अश्वनी दुबे। जेंटल मतलब दयालु होता है ना, कि जेंटल मैन मतलब दयालु होता है, जेंटल मैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हार्ट, HART, हार्ट, HART, हार्ट मतलब होता क्या है, HART है यहाँ पर, देखिएगा HART का मतलब होता क्या है, किसको पता है, देखते हैं कौन राइट आंसर को देता है। हार्ट का हिंदी बताइए आप लोग, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग राइट आंसर देने का कष्ट करें।
जो भी लोग अभी वीडियो का वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। जिनको भी कमेंट करने नहीं आ रहा है अभी, वो लाइव चैट पर क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट पर क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं। और अपने आस पड़ोस को भी भेज दीजिए, अपने आस पड़ोस को भी भेज दीजिए। तो मना करना कोई वर्ड ये नहीं हो गया, बिल्कुल गलत है नवजोत सिंह। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमने कहीं व्हाट्सएप नहीं किया इस वीडियो को, आप आसपास जितने भी लोग हैं उनको भेज सकते हैं आप लोग वीडियो, वीडियो का लिंक जो है शेयर करने का ऑप्शन होगा, वहां से शेयर करके भेज सकते हैं आप लोग, जहां शेयर करना होगा वहां शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करके आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो बिल्कुल देखते हैं इसका क्या होता है, किसी का आंसर सही नहीं आया, सब व्यक्ति बोल रहे हैं, सब व्यक्ति बोल रहे हैं, अविनाश जी सब व्यक्ति बोल रहे हैं, HART हिरण, मुस्कान सिंह हिरण बता रही है HART। तो बिल्कुल बारासिंगा सही है, बारासिंगा हिरण बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसका क्या हो जाएगा फेमिनिन, फेमिनिन क्या हो जाएगा हाइंड हो जाएगा। याद रखिएगा जो नर होता है उसका बारासिंगा, जो बारासिंग वाला होता है हिरण, जो बारासिंग वाले हिरण होते हैं उसे हार्ट कहते हैं HART, और जो होते हैं वो फेमिनिन में लेडीज में होती हैं उसे क्या कहते हैं हाइंड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइंड, याद रखिएगा आप सभी फीमेल में हाइंड बोलते हैं उसको। हॉर्स, हॉर्स मतलब आप सभी को पता होगा घोड़ा, और घोड़ा का फेमिनिन हो जाएगा, घोड़ा का फेमिनिन हो जाएगा मेयर, याद रखिएगा MAR मैर, बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, आप लोगों के सामने है देख लीजिए। तो बिल्कुल हॉर्स जो हो गया, हॉर्स क्या हो गया, तो मैं हॉर्स हो गया मैस्कुलिन और फेमिनिन मेयर होता है MAR। हस्बैंड, हस्बैंड तो सभी को पता होगा, हस्बैंड का वाइफ, हस्बैंड का वाइफ, हस्बैंड का क्या होता है वाइफ होता है, और किंग का क्या होता है क्वीन होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, ठीक है ये सब तो इजी है, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, ये सब पता होगा आप सभी का। खुशी कैसी, हेलो सर आप लेट हो गई बहुत ज़्यादा, खुशी जी आप बहुत ज़्यादा लेट हो गई खुशी जी। निफी, निफी का मतलब होता है भतीजा या भांजा, ठीक है निफी का मतलब क्या होता है भतीजा या भांजा, इसी अनाइस जो हो गया वो भतीजी या भांजी बोल सकते हैं, भतीजी या भांसी भांजी बोल सकते हैं। न्यूफी मतलब होता है भतीजा और नाइस मतलब भतीजी। जो ये सिंग, ये क्या हो गया ये मैस्कुलिन और ये जो हो गया फेमिनिन, ये क्या हो गया आपका मैस्कुलिन और ये जो हो गया आपका फेमिनिन हो गया। तो आप लोगों का आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए पापा का मामा होता है, याद रखिएगा पापा का मामा होता है ना कि मम्मी होता है। मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश, MUMMY मम्मी का मतलब क्या होता है, मम्मी का मतलब क्या होता है मसाला लगा हुआ लाश। किनको किनको ये बात पता है कि मम्मी का मतलब मसाला लगा हुआ लाश होता है कमेंट कीजिए। जिनको भी पता हो कि मम्मी का मतलब क्या होता है मसाला लगा हुआ लाश, किनको किनको पता है कि मम्मी का मतलब मसाला लगा हुआ लाश होता है, मसाला लगा हुआ लाश किनको किनको पता है। तो किनको किनको पता है, यस सर यस सर, तो पता है पलक, पलक जी को पता है कि मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश, पापा का होता है मम्मा, याद रखिएगा पापा का मम्मा होता है ना कि मम्मी होता है, मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश। पापा हो गया जो ये होते हैं वो क्या होते हैं वो मैस्कुलिन और ये फेमिनिन, पता है भूटान जी को नहीं पता था। तो मम्मी का मतलब क्या होता है मसाला लगा हुआ लाश होता है, पापा जो होते हैं पापा का सही अगर कोई इंग्लिश क्या होता है फेमिनिन होता है मम्मा होता है, याद रखिए मम्मा होता है ना कि मम्मी, मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश। नहीं पता सर, अच्छा ये बताकर, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता सर, तो याद रखिएगा आप सभी याद रखिएगा कि मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश और ये होता है मम्मा, मम्मा को ही बदलते बदलते लोग मम्मी कहने लगे। तो पापा का याद रखिए मम्मा होता है ना कि मम्मी होता है, मम्मी का मतलब होता है मसाला लगा हुआ लाश, ठीक है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, रैम, रैम RAM रैम मतलब क्या होता है जल्दी बताइए, जिनको भी पता होगा आप बता सकते हैं RAM का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। वो वाला राम नहीं, राष्ट्र रामचंद्र का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, RAM का बात हो रहा है, रैम का बात हो रहा है, RAM। तो बताइए आप सभी,
आरएएम का मतलब क्या होता है। जिन जो भी वीडियो को देख रहे हैं अभी सुन रहे हैं हमारी बातों को, तो आंसर्स देने का कष्ट करें। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आंसर्स देने का कष्ट करें। आरएएम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब होता क्या है। जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं आंसर्स देने का कष्ट करें। तो मुस्कान सिंह, पलक सिंह, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर करने का कोशिश करें और अपने पड़ोस आस पड़ोस सृष्टि हो गई या जो भी लोग हैं उनके पास भेजने का कोशिश करें, क्योंकि आज हमने किसी के पास शेयर नहीं किए हैं। आज किसी के पास हमने शेयर नहीं किए वीडियो को, इसलिए थोड़े कम लोग देख रहे हैं वीडियो को। आज हमने डायरेक्ट लाइव चैट स्टार्ट कर दिया, किसी के पास शेयर नहीं किया है। रैम का मतलब होता है भेड़ बोल रहे हैं लोग, तो रैम का बिल्कुल सही है, भेड़ होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सभी का बिल्कुल सही है। रैम का मतलब होता है भेड़, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, भेड़ होता है, याद रखिएगा आप सभी याद रखिएगा इसका मतलब भेड़ होता है। और इसका जो होता है फेमिनिन जो होता है क्या होता है, ईव होता है, ईव मतलब मादा भेड़, जो मादा भेड़ होती है उसे ईव कहते हैं, नर भेड़ को रैम कहते हैं, रैम आर ए एम, बिल्कुल बिल्कुल सही है, भेड़। आदित्य पांडे, पलक सिंह, मुस्कान सिंह, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे सर, सर का मैडम होता है, सर सर जानते ही होंगे महाशय, और मैडम होता है, सर का क्या होता है, मैडम होता है, याद रखिए। सन का जनरली आप लोग जानते हो डॉ डॉटर, सन का क्या होता है डॉटर, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी। शेयर कर दिए सर, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू। सन का क्या होता है डॉटर होता है। स्टैग, एस टी ए जी, स्टैग का मतलब होता क्या है, आंसर दीजिए आप लोग, स्टैग का मतलब होता क्या है, स्टैग का मतलब होता क्या है, एस टी एच जी, स्टैग, स्टैग का मतलब क्या होता है, एस टी एच जी, स्टैग का मतलब क्या होता है, एस टी एच जी, स्टैग का मतलब होता क्या है, एस टी एच जी, स्टैग का मतलब बताइए आप सभी, स्टैग मतलब होता क्या है, जल्द से जल्द आंसर देने का कष्ट करें आप सभी। तो आप सभी लोग, विक्रांत ऑनलाइन वीडियो बोल रहे हैं, सबका आराम से बता देंगे, तो बताने का कष्ट करें, पूछ तो रहे हैं हम यहाँ पे, आप बताने का कष्ट करें विक्रांत जी, हम सबका पूछ रहे हैं और सबका आंसर ले रहे हैं, तो देखते हैं आप सबका बता पाते हैं या नहीं विक्रांत जी, हम देखते हैं। बरसिंगा, बरसिंगा तो बिल्कुल सही है, स्टैंग मतलब ही बरसिंगा, इसका क्या होगा, हाइंड होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। तो विक्रांत जी सबको सबका बता देंगे, तो देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं कौन कौन सारा का सारा आंसर देता है। बिल्कुल हिरण होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है विक्रांत जी, बिल्कुल सही है। खुशी कैसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला है स्वेन, स्वेन मतलब बताइए आप सभी, एस डब्ल्यू ए आई एन, स्वेन का मतलब बताइए, स्वेन, एस डब्ल्यू ए आई एन, स्वेन का क्या होता है, तो बिल्कुल सही आदित्य पांडे, आदित्य पांडे आपका सही है, स्वेन, स्वेन का आंसर बताइए आप लोग, स्वेन मतलब हिंदी होता क्या है इसका, इसका जो होता है फेमिनिन जो होता है निम्फ होता है, और ये स्वेन हो गया, एस डब्ल्यू ए आई एन, ये क्या हो गया, स्वेन हो गया, स्वेन, एस डब्ल्यू ए आई एन का आंसर दीजिए आप लोग। तो आंसर देने का कष्ट करें आप सभी। हंस बोल रहे हैं, हंस, हंस देखते हैं, और कोई है जो राइट आंसर को दे सकता है, स्वेन, तो जितने भी ग्रेडिया, तो बिल्कुल स्वेन, स्वेन मतलब हंस नहीं होता है विक्रांत जी, आप भूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब नौजवान प्रेमी होता है, क्या होता है, नौजवान प्रेमी, प्रेमी होता है। अच्छा अच्छा हिंदी में नाम नहीं पता, पर याद सब है, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप डिफेंस के छात्र हो तो याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर डिफेंस के एग्जाम में आएंगे नहीं, 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ डिफेंस के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं जेंडर से, और जो भी हम पढ़ाते हैं एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाते हैं, जो ये एग्जाम में आ सके वहीं पढ़ाते हैं। सर हिंदी याद नहीं की, बिल्कुल, तो हिंदी याद कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेटर है, हिंदी के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी क्या होगा, सर एक बार इसको पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे अलग लोग हिंदी पूछ रहे थे इसका, तो हिंदी उस वक्त हमको भी नहीं पता था ज़्यादा, पर हमने इसको सर्च किया, टोटल हिंदी लेकर आए इसका, और हिंदी के साथ हम लोगों को आज समझा रहे हैं। तो स्वेन, स्वेन का मतलब होता है नव युवक प्रेमी,
नवयुग प्रेमी, और निम्न का पता होता है नवी नवयुग प्रेमिका, और गरेड़िया भी सही है, जो लोग गरेड़िया आंसर दिए हैं वो भी सही है। गरेड़िया जो होता है गाय वो चढ़ाने वाला, गरेड़िया जो या भेड़ उड़ चढ़ाने वाला जिसको गरेड़िया बोलते हैं वो भी सही है। लेकिन स्वयं यहाँ पर नौजवान प्रेमी बिल्कुल सूट कर रहा है निम्फ, इसका क्या होता है निम्फ NIMPH, स्वयं मतलब नौजवान प्रेमी जो मैस्कुलिन हो गया, और निम्फ का मतलब हो गया फेमिनिन, फैमिली में हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अंकल का आंट आप लोग बिल्कुल पता होगा, अंकल का आंट आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो विजार्ड का मतलब देखते हैं कौन कौन हिंदी देता है, विजार्ड का हिंदी कौन कौन देता है, विच का हिंदी कौन कौन देता है, दोनों का हिंदी आप लोग बताइए, विजार्ड और विच का। अंकल का आंटी तो आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, अंकल का आंट होता है आप सभी को पता होगा। विजार्ड का मतलब बताइए, विजार्ड जो होता है मैस्कुलिन होता है, और विच जो होता है फैमिलीन होता है। तो विजार्ड का हिंदी बताने का सही कष्ट करें। तो जादूगर विजार्ड का मतलब दे रहे हैं आंसर जादूगर, जादूगर दे रही हैं मुस्कान सिंह, जादूगर दे रही हैं विजार्ड का मतलब। और कोई है जो राइट आंसर को देना, विच का मतलब क्या होता है, विच WITCH विच का मतलब क्या होता है, विच WITCH विच का मतलब क्या होता है, आंसर दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल बिल्कुल चुड़ैल होता है, बिल्कुल सही है, चुड़ैल होता है। बिल्कुल चुड़ैल होता है, बिल्कुल। ठीक है, जादूगरनी या चुड़ैल बोल सकते हैं, विजार्ड का मतलब जादूगर, विच का मतलब चुड़ैल या जादूगरनी बोल सकते हैं आप सभी। तो आइए कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनमें वर्ड को जोड़कर बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, खुशी कैसी, बिल्कुल सही है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो बिल्कुल सही है आप सभी का, बिल्कुल सही है आप सभी का। वुलकाल्फ, वुलकाल्फ का मतलब क्या होता है, WULCALF वुलकाल्फ का मतलब क्या होता है। नमस्ते सर, नमस्ते हेमंत जी, नमस्ते। बुल काल्फ का मतलब क्या होता है, लेट हो गया। अच्छा, तो आप रोज लेट होते हैं, बुल काल्फ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? तो बुल काल्फ आप लोग जनरली पता होना चाहिए, बुल काल्फ, बुल काल्फ, बक रैबिट्स, ही गॉट, थैंक्स फॉर लाइव क्लासेस, बिल्कुल वेलकम। बुल काल्फ का होगा काउ काल्फ, बुल काल्फ का काउ काल्फ, बक रैबिट का टॉय रैबिट, ही गॉट का सी गॉट, काउ स्पैरो का हेन स्पैरो, ये सबको रट जाइए आप लोग, ये सबको रट जाइए, ये सब को रट जाइए, ठीक है। जैक एस का सी एस, जैक एस का सी एस, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, और ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, पी कॉक का पी हैन, डायरी मैन का डायरी मेड, और वाशर मैन का वाशर वुमैन। तो ये सबका हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले सारे सबका हिंदी हमने बताया, पर ये सबका हिंदी जानने का जरूरत नहीं है, ये सब रट जाइए आप लोग। बुल काल्फ का काउ काल्फ, बक रैबिट का डॉय रैबिट, सब ऊपर बताया हुआ है, सब ऊपर बताया हुआ है। कॉक स्पैरो का हेन स्पैरो, जैक एस का सी एस, या जेनियस, मैड मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, या पीकॉक का पी हैन, डायरी मैन का डायरी मैड, वाशरमैन का वाशर वुमैन, वाशरमैन का वाशर वुमैन, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। By adding ES to the masculine, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ES को जोड़कर, ES को जोड़कर उसको masculine to feminine बनाया जाता है, ES को जोड़कर masculine to feminine बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, पैसेज के बारे में बताइए सर, पैसेज, पैसेज भी बताएंगे पर वो ऑफलाइन वीडियो होगी, पैसेज हम लेकर आएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक पैसेज कभी कभी लेकर आएंगे, बीच बीच में कभी कभी पैसेज लेकर आएंगे, पैसेज बिल्कुल लेकर आएंगे, और मैथ की क्लास सारे क्लास लेकर आएगी, और बहुत जल्द अंशु सर की मोटिवेशन वीडियो, तो अंशु सर की बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, अंशु सर की लाइव क्लास की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द,
तो आप सभी उसमें ज़रूर रहिएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला है ऑथर, ऑथर का ऑथरेस, ऑथर का ऑथरेस, बैरोन का बैरोनेस, काउंट का काउंटेस, गेंट का गेंटेस। तो बिल्कुल प्रीपोजिशन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, आज से कल में प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा, प्रीपोजिशन आज से कल में स्टार्ट होगा। तो गेंट का गेंटेस, गॉड का गॉडेस, आयर का आयर मतलब क्या होता है, आयर मतलब क्या होता है कोई बता सकता है, आयर मतलब होता क्या है, और बैरोन जितने भी वर्ड मीनिंग है बताइए। सबसे पहले है ऑथर मतलब लेखक, बिल्कुल सही है। भूटान बैरोन मतलब बताइए, बैरोन काउंट ये सब बताइए, ये सब थोड़ा सा हार्ड टॉफ है, ये बताइए बैरोन का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब क्या होता है, गेंट का मतलब क्या होता है, और गॉड को तो मतलब पता ही होगा, गॉड मतलब भगवान होते हैं, या आयर का मतलब क्या होता है, हॉस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। बैरोन का मतलब होता है बंचर, ओ बैरोन नहीं है, ओ बैरोन नहीं है, ओ बैरोन नहीं है, बंजर का फैमिली नहीं होता है, तो जिस चीज़ का फैमिली नहीं होता है, जिस चीज़ का फैमिली नहीं होता है वो नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका फैमिली तो होता नहीं है। BARON, BARON का राइट आंसर किसी को पता है, नवाब, नवाब बोल रही हैं, मुस्कान जी नवाब बोल रही हैं, मुस्कान जी नवाब बोल रही हैं, देखते हैं किसका सही होता है, मुस्कान जी नवाब बोल रही हैं। तो सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जिनका भी नवाब है वो सही है, जिनका भी नवाब हो सही है, यानी कि भूटान का और मुस्कान जी का बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिए। आप पिछले वीडियो जाकर देखिए ना, टोटल का टोटल पढ़ाया गया है, पिछला वीडियो आप जाकर देखिए, टोटल का टोटल चीज़ पढ़ाया जा चुका है। आप सर बोल रहे हैं सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो भी कोर्सेज हैं सारे के सारे कंप्लीट करवाएंगे, नवाब सही है। नवाब खुशी के श्री नवाब, तो नवाब जिनका भी होगा बिल्कुल सही है, नवाब जिनका भी है बिल्कुल सही है। काउंट COUNT, काउंट का मतलब क्या होता है, COUNT काउंट का मतलब होता क्या है, COUNT काउंट का मतलब क्या होता है, COUNT काउंट का मतलब क्या होता है, आंसर दीजिए, काउंट का मतलब होता क्या है, COUNT काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है। हाँ गिनती भी होता है, पर ये मैस्कुलिन फेमिनिन में पूछते हैं क्या होता है। तो गिनना तो होता है, बिल्कुल सही है, गिनना होता है, काउंट मतलब गिनना, बिल्कुल सही है, पर मैस्कुलिन में काउंट का मतलब कुछ अलग होता है। गिनना का फेमिनिन आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो फिर कैसे आप लोग बताइएगा। काउंट का काउंटेस होता है, काउंट जो काउंटर पर होते हैं उनको बोलते हैं साम्य, समांत, बिल्कुल सही है, पलक्सी समांत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिनका भी समांत हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मुस्कान सी पलक्सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब समांत होता है और लेडी में हो जाएगा कैंटेस, देख लीजिए। गॉड का मतलब होता है देवी, देवा देवता, गॉड का सॉरी गॉड का मतलब होता है देवता। आई हैव अ क्वेश्चन, सिया राव है, अच्छा आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए आप लोग, अगर पता होगा तो बता सकते हैं, बिल्कुल सिया रॉय सर आई हैव अ क्वेश्चंस, ओके यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ओके यू कैन आस्क मी सिया रॉय, प्लीज आस्क मी, हैव यू एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव मी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। गॉड का गॉडेस बिल्कुल सही है, तो पूछिए जल्द से जल्द। आयर का मतलब बताइए, आयर, आयर और होस्ट का मतलब बताइए, दोनों का आंसर दीजिए, दोनों का आंसर दीजिए, दोनों का आंसर आप लोग दीजिए, आयर और होस्ट का आंसर दीजिए, आयर और होस्ट का आंसर दीजिए आप लोग,
आयर और होस्ट का आंसर दीजिए। जिनको भी पता होगा आयर और होस्ट का आंसर जरूर दीजिए। जिन लोगों को भी पता होगा आयर और होस्ट का आंसर दीजिए। तो सी आर आए, जो भी क्वेश्चन हो आपके पास, सर आई हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। होस्ट का मतलब मेज़बान। विक्रांत सी बिल्कुल सही है, विक्रांत जी आपका सही है। होस्ट मतलब आयर, मतलब बताइए आयर। तो बिल्कुल बताइए आयर मतलब क्या होता है। आयर का मतलब वारिस। तो बिल्कुल ईच एंड आइदर जितने भी हैं ये सब पढ़ा देंगे हम, अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं। जिस टॉपिक को लेकर आते हैं उसी पर हम फोकस करते हैं। अलग से क्वेश्चन मत पूछिए, अगर जेंडर से कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जेंडर से कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हेमंत कुमार तो पूछ सकते हैं, वरना जिस वीडियो को लेकर आते हैं वहीं हम बताते हैं, उससे साइड से हम तैयारी करके नहीं आते हैं बिल्कुल। इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाने के लिए भी तैयारी कर। पढ़ना और पढ़ाने में दोनों में अंतर होता है, पढ़ना और पढ़ाना में बहुत अंतर होता है। हायर हार्डेस्ट हॉट हॉस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पलक सिंह वारिस होता है, बिल्कुल वारिस होता है, जो वारिस होता है बिल्कुल वारिस होता है, बिल्कुल सही है। आयर का मतलब वारिस और इसका मतलब होता है मेज़बान। मेज़बान किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? मेज़बान किसे कहते हैं बिल्कुल बता दीजिए, अगर पता हो तो ईच और आइदर का प्रयोग बता दीजिए। विक्रांत जी बता दीजिए, मैं बता नहीं सकता अभी। ओके, तो मेज़बान का मतलब होता क्या है? अगर कोई मान लीजिए आपके घर आ रहा है, आपके घर चार पांच लोग आ रहे हैं, चार पांच लोग अलग अलग मान लीजिए रिलेशन के आप लोग घर आ रहे हैं, तो जो लोग उनको अपने घर बुलाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेज़बान कहते हैं। मेज़बान और मेहमान में अंतर होता है। मेज़बान और मेहमान मतलब जो जाते हैं, जिनके घर आते हैं वो मेज़बान हो गए, जिनके घर लोग मेहमान आते हैं वो मेज़बान हो गए, और जो मेहमान कौन होते हैं? जो जाते हैं वो मेहमान, और जो जिनके घर वो आते हैं वो मेज़बान हो गए। मान लीजिए मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं मेज़बान हूँ, मैं उनका स्वागत करूँगा, मैं मेज़बान हूँ। अगर मैं किसी और के घर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर क्या हूँ? मेहमान हूँ। वहाँ पर क्या हूँ? मेहमान हूँ। और अगर कोई मेरे घर आ रहा है तो वहाँ पर मैं मेज़बान हूँ। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सी आर आए, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछिए अपना। क्वेश्चन अगर जेंडर से जुड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अगर जेंडर से जुड़ा हुआ है, जिस टॉपिक पर आंसर क्वेश्चन लेकर आते हैं उसी टॉपिक से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीव, जीव का मतलब क्या होता है? JEW, जीव मतलब यहूदी होता है। और जो जीव का मतलब क्या होता है? यहूदी होता है। क्या होता है? यहूदी होता है, JEW। ठीक है, और इसका जो हो जाएगा फेमिनिन जीवस, याद रखिएगा जीवस हो जाएगा, EWS लास्ट में जोड़कर इसको ये फेमिनिन बनाते हैं। लाइन, लाइन का क्या हो जाएगा? लाइनेस हो जाएगा, लाइन का लाइनेस हो जाएगा, LION, लाइन का लाइनेस हो जाएगा, बिल्कुल। लाइन मतलब सिर होता है, लाइनेस मतलब सरणी होता है। तो अमित निषाद, आपको बता दें एयरफोर्स और नेवी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर जेंडर से आ ही नहीं सकता है, 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, जेंडर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और जितने भी चीज पढ़ाएंगे वो सारे के सारे एयरफोर्स और नेवी और NDA एग्जाम्स के रिलेटेड होंगे बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, लाइन का लाइनेस हो जाएगा, मैनेजर का मैनेजरेस और मेयर का मेयरेस, पैट्रॉन, पैट्रॉन का पैट्रोनेस। पैट्रॉन मतलब क्या होता है? PATRON, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? PATRON, पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? लाइन मतलब तो पता ही होगा, ज्यू मतलब यहूदी, आपको बता दी दिए। पैट्रॉन का मतलब बताइए, PATRON, पैट्रॉन का मतलब बताइए, पैट्रॉन और पीर का मतलब बताइए, पैट्रॉन और पीर का मतलब क्या होता है? पैट्रॉन और पीर का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमिंग स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 0 से 1 के तक सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल, नवजोत जी बोल रहे हैं सर आज फिजिक्स का क्लास नहीं था,
तो बिल्कुल आज फिजिक्स की क्लास हमने नहीं ली क्योंकि थोड़े से हम वेबसाइट और एमिंग स्टडी ऐप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वेबसाइट और एमिंग स्टडी ऐप पर काम कर रहे हैं तो इसलिए फिजिक्स की क्लास नहीं हो पड़ी है। लेकिन अभी तक जितने फिजिक्स पढ़ाए हैं अगर आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आपका फिजिक्स बहुत बढ़िया हो गया होगा। अभी तक जितने भी हमने फिजिक्स पढ़ाए हैं, जितने भी फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वीडियो है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का वीडियो है तो फिजिक्स का वीडियो है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। टोटल फिजिक्स का वीडियो बना हुआ है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स का वीडियो टोटल बन चुका है, उतना पढ़ लीजिए काफ़ी, और आगे भी हम 1500 प्लस सीरीज का मैराथन क्लास में टोटल कंप्लीट करवा देंगे एक ही दिन में। टोटल कंप्लीट एक रात लगेगा, 12 घंटे की क्लास होगी, 100 बच्चे पढ़ेंगे, लगातार 100 बच्चे उस क्लास में रहेंगे, रात भर की क्लास होगी, उसमें हम सारे के सारे करा देंगे, एयरफोर्स और नेवी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सहायिका होता है सहायक, और पैट्रोनिस का मतलब होता है सहायिका, सहायक इसका मतलब सहायक और इसका सहायिका, याद रखिएगा। पीर, पीर का मतलब क्या होता है, पी डबल ई आर, पीर के मतलब क्या होता है, पीर का मतलब क्या होता है, पी डबल ई आर, पीर का मतलब क्या होता है, पी डबल ई आर, तो पीर का मतलब सहकर्मी होता है, याद रखिए सहकर्मी होता है, बिल्कुल सहकर्मी सहायक बोल सकते हैं। पैट्रॉन का मतलब भी सहायक ही होता है, पैट्रॉन का मतलब भी सहायक होता है, सहकर्मी कह सकते हैं। और पोएट मतलब आप सभी को पता होगा कवि, और पोएट्रेस मतलब कवित्री। पृष्ठ, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ मतलब क्या होता है, तो आप लोग आंसर्स देने का कष्ट करें, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ मतलब होता क्या है, पी आर आई ई एस टी, पृष्ठ मतलब पुजारी, मुस्कान सिंह पुजारी बोल रही है, तो बिल्कुल पृष्ठ मतलब पुजारी होता है, पृष्ठस मतलब पुजारण होता है, पृष्ठ मतलब पुजारी और पृष्ठस मतलब पुजारण होता है। प्रिंस मतलब राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होता है, प्रिंस मतलब राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होता है। पैरियर, प्रियर, पी आर आई ओ आर, प्रियर, प्रियर मतलब क्या होता है तो बिल्कुल पुजारी सही है, सबका सही है, पुजारी, पुजारी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और प्रियर का मतलब बताइए, पी आर आई ओ आर, प्रियर का मतलब बताइए आप सही, प्रियर का मतलब बताइए, पी आर आई ओ आर, प्रियर का मतलब बताइए जल्द से जल्द, आप लोग प्रियर का मतलब बताइए, बहुत कम टाइम रह गए हैं तो जल्द से जल्द आंसर देने का कष्ट करें आप सही। प्रियर का मतलब बताइए, पी आर आई ओ आर, प्रधान, तो बिल्कुल सही है भूटान, बिल्कुल सही है आपका, प्रधान, प्रधान, प्रियर मतलब प्रधान, प्रियरस मतलब प्रधान, जो प्रधान फीमेल प्रधान होती है उसे प्रियरस कहते हैं। प्रोफेट, प्रोफेट का क्या होगा, प्रोफेट मतलब होता क्या है, प्रोफेट मतलब होता क्या है, प्रोफेट मतलब महंत बोल रही हैं, प्रोफेट मतलब महंत बोल रही हैं, देखते हैं किसका सही होता है, पी आर ओ पी एच सी टी, प्रोफेट मतलब महंत बोल रहे हैं, कोई कोई लोग प्रोफेट मतलब महंत बोल रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। 61 नंबर है प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब क्या होता है, प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब क्या होता है, प्रोफेट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए आप लोग, और एक घंटे होने वाले हैं क्लास के, एक घंटे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं तो टाइम बहुत कम है, जल्द से आंसर देने का कष्ट करें। प्रॉफिट का मतलब लोग बता रहे हैं महंत, प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर, याद रखिएगा, प्रॉफिट मतलब पैगंबर होते हैं, क्या होते हैं, पैगंबर, ठीक है, पैगंबर होता है। सेफ्रेड, सेफ्रेड मतलब क्या होता है, सेफ्रेड, सेफर्ड, सेफर्ड, सेफर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड, सेफर्ड, पैगंबर बिल्कुल सही है मुस्कान जी आपका सही है, सेफर्ड, सेफर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड, सेफर्ड मतलब क्या होता है, 62 नंबर सेफर्ड, सेफर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड, सेफर्ड, सेफर्ड हर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड, सेफर्ड मतलब क्या होता है, तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं राइट आंसर देने का कष्ट करें, सेफर्ड मतलब क्या होता है, सेफर्ड मतलब क्या होता है,
तो शेफर्ड का मतलब क्या होता है? चरवाहा। तो सिया रॉय क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, सिया रॉय क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो चरवाहा बिल्कुल सही है, चरवाहा बिल्कुल सही है। और सेफर्ड का मतलब क्या होता है? चरवाहन। याद रखिएगा चरवाहन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चरवाहा का क्या हो जाएगा? चरवाहन मतलब जो लड़की में चरवाहा हो गई उसे क्या कहते हैं? सेफर्ड। ड्रेस ड्रेस। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब देखते हैं कौन बताता है। डिस्काउंट का मतलब देखते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है ये, बहुत ही अनमोल, बहुत ही बढ़िया ये है। चरवाहा बिल्कुल सही है, चरवाहा। जिनका भी चरवाहा हो बिल्कुल सही है, चरवाहा हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शुरू में, यानी कि कभी भी शुरू में अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, जो भी लोग यानी कि कभी भी आंसर नहीं दिए हैं अभी तक। कुछ लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, जो आंसर्स को देख कर ही आंसर देते हैं, आंसर्स को देख कर ही। विकांत, विकांत नहीं समझे हम। सिया रॉय नहीं समझे, सी आर ओ नहीं समझे। आई कांट अंडरस्टैंड। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसर जो बच्चे पहले दे, मान लीजिए भूटान से आंसर पहले दे दिए, उन्हीं को टाइप करके देखकर आंसर दे देते हैं जिन। तो ऐसा मत कीजिए आप सभी। विकांत, अच्छा विकांत। तो बिल्कुल विस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है? मतलब इंग्लैंड में एक सरकारी नौकरी के पद पर जो होते हैं, सबसे बड़े पद पर होते हैं सरकारी नौकरी के, इंग्लैंड में जो सरकारी नौकरी के पद पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्काउंट कहते हैं। इंग्लैंड में जो सरकारी नौकरी के पद, बड़े पद पर रहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के बड़े पद पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्काउंट कहते हैं, विस्काउंटेस। तो बिल्कुल सही है, सी आर रॉय बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनके जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं, विकांत बिल्कुल सही है, और सी आर ओ आपका सही है, मुस्कान जी आपका सही है, पलक और भूटान आपका सही है। चलिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके लास्ट में ई डबल एस को जोड़कर, लास्ट में ई डबल एस को जोड़कर क्या बनाते हैं? विकांत होता है सर, बिल्कुल सही है, सी आर ओ बिल्कुल सही है, सी आर ओ बिल्कुल सही है। अब देखिए एक्टर, एक्टर का एक्ट्रेस आप सभी को पता होगा, वेनिफैक्टर का वेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, इंचेंटर का इंचेंट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर मतलब शिकारी हंट्रेस, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस। नेग्रो का हिंदी बताइए आप सभी। अब नेग्रो का हिंदी बताइए, यहाँ से हिंदी बताइए आप सभी। नेग्रो का मतलब क्या होता है? नेग्रो, NGRO। नेग्रो का मतलब क्या होता है? नेग्रो का मतलब क्या होता है? नेग्रो, नेग्रो का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टर का मतलब बता दे आपको, परीक्षक होता है, याद रखिए परीक्षक होता है, इंस्ट्रक्टर का मतलब परीक्षक होता है। काला आदम होता है, ओके काला आदम याद रखिएगा। किसका मतलब? तो नेग्रो का मतलब होता है काला आदम। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, परीक्षक, परीक्षक। और इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक। इंस्ट्रक्टर का मतलब, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है परीक्षक, परीक्षक जो परीक्षा में जांच करता है उसे परीक्षक कहते हैं, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होते हैं जो जांच करने आते हैं उसे इंस्पेक्टर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो सरकारी काम में जांच करने आते हैं उसे इंस्पेक्टर कहते हैं। नेग्रो का मतलब होता है काला आदम। पॉर्टर, पॉर्टर का मतलब बताइए। इंस्टेंटर का मतलब भी जादूगर होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब भी जादूगर होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब भी जादूगर होता है, इसका मतलब भी जादूगर होता है, याद रखिएगा। वैसे भी जाट का मतलब भी जादूगर होता है, इसका मतलब भी जादूगर होता है, ठीक है। इंस्टेंट्रेस का मतलब होता है जादूगरनी। तो बिल्कुल पॉटर मतलब क्या होता है? पॉटर, POR TER, पॉटर का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए। पॉटर का मतलब क्या होता है? कुली, बिल्कुल सही है, कुली होता है। पॉटर का मतलब कुली होता है, पॉटरेस जो लेडीज़ कुली हो गई उनके पॉटर्स कहते हैं, और पॉटर जो होते हैं जेंट्स होते हैं वो कुली होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो बिल्कुल कुली बिल्कुल सही है, पॉटर। पॉटर का मतलब बोझ ढोने वाला, बोल रही हैं रिया रॉय कि पॉटर का मतलब सर बोझ ढोने वाला होता है। हाँ बिल्कुल सही है, एक तरह से कह सकती हैं कुली भी बोझ होता है, तो बिल्कुल सही है।
कुली भी बोझ को ढोता है। कितने लोग तो बगल में गूगल खोल कर बैठे होंगे, जैसे ही सर पूछ रहे होंगे गूगल पर टाइप करके सर्च मार के बता रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगल में गूगल खोल चुके होंगे, गूगल से आराम से वर्ड्स को सर्च मार ले रहे होंगे पहले, और उसके बाद जब सर पूछ रहे हैं तो आराम से राइट टाइप करके आंसर दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं ले सकते। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, प्रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, PRECEPTOR प्रिसेप्टर का मतलब क्या होता है। 75 नंबर का आंसर दीजिए, आज 29 तक करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। प्रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, 75 नंबर, और कुछ ही रह गए हैं, इतने सारे रह गए हैं बस, देख लीजिए आप लोग इतने सारे रह गए हैं। तो बिल्कुल कौन कौन है नेम ले लो सर, तो नेम नहीं ले सकते हैं। देखिए प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, प्रिसेप्टर का मतलब गुरु, बिल्कुल सही है गुरु, जो भी लोग बोल रहे हैं गुरु बिल्कुल सही है, जो भी लोग गुरु बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, जो भी लोग गुरु बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और सॉन्गस्टार, सॉन्गस्टार का मतलब क्या होता है, सॉन्गस्टार टेम्प्टर और वेटर, बताइए। वेटर तो आप लोगों को पता होगा, जनरली वेटर का आप लोग परीक्षा जो प्रतीक्षा करते हैं उसे वेटर। सर हमारे पास दूसरा स्मार्टफोन नहीं है, कोई बात नहीं। टाइगर का मतलब बाघ तो पता होगा, टेम्प्टर, सॉन्गस्टर और प्रिसेप्टर, बताइए। प्रिसेप्टर मतलब तो पता चल गया गुरु होता है, सॉन्गस्टर मतलब गायक, बिल्कुल सही है, सॉन्गस्टर मतलब गायक होता है। टेम्प्टर मतलब बताइए, टेम्प्टर मतलब क्या होता है, टेम्प्टर मतलब क्या होता है, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, टेम्प्टर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। टेम्प्टर का मतलब होता है प्रलोभक, याद रखिएगा, टेम्प्टर का मतलब होता है प्रलोभक, प्रलोभक याद रखिएगा, टेम्प्टर का मतलब होता है प्रलोभक, जो नहीं बोलेंगे वो वहीं गूगल से देखते होंगे। चलिए आगे एक बढ़ते हैं। बाई एडिंग ई डबल एस मैस्कुलिन इन, इसमें से दो चार करा देते हैं, बाकी कल करा देंगे। पर अच्छा एक और है वर्ड मीनिंग, बहुत सा प्यारा सा है, इस वक्त उसका सीजन भी चल रहा है, सीजन मतलब ख़त्म हो गया शायद, शादी का सीजन ख़त्म हो चुका है, तो इसका बताइए ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है, ब्राइड ग्रूम मतलब होता क्या है, बहुत ही प्यारा वर्ड है ब्राइड ग्रूम, और ब्राइड क्या होता है, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता क्या है, जल्दी बताइए। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता क्या है, तो जल्दी बताइए, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता क्या है। बहुत सारे लड़कों को नहीं पता होगा, अधिकतर लड़कों को नहीं पता होगा कि ब्राइड ग्रूम का मतलब होता क्या है, कि ब्राइड ग्रूम का मतलब बताइए आप सभी, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड ग्रूम का मतलब बताइए आप सभी, ब्राइड ग्रूम का मतलब बताइए, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ब्राइड ग्रूम का मतलब बताइए, तो बिल्कुल आप सही, ब्राइड ग्रूम का मतलब बताइए। नहीं पता है, खुशी जी बोल रहे हैं नहीं पता है, तो ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा होता है, याद रखिएगा, ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दुल्हा होता है, ठीक है, दुल्हा मतलब दुल्हा, ठीक है, दुल्हा होता है, याद रखिएगा आप सभी, बिल्कुल दुल्हा होता है, बिल्कुल दुल्हा होता है, बिल्कुल दुल्हा होता है। विडोर, विडोर का विडो, विडोर का विडो होता है, याद रखिएगा। फॉक्स का विक्सन, विडोर मतलब विदुर, यानी कि जिसका पत्नी मर गई है उसे विडोर बोलते हैं, और विडो जिसका पति मर गया उसे विडो बोलते हैं, जिसका पति पत्नी मर गई हो उसे विडोर, और विडोर और जिसका पत्नी मर गई हो, पति मर गए हों उसे क्या कहते हैं, विडो कहते हैं, विडो मतलब विधवा, और विडोर मतलब विधुर, विधुर बोलते हैं, विधुर याद रखिएगा, विधुर याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ चुके थे, अबॉट, अबॉट का बेस होता है, अबॉट का मतलब क्या होता है बताइए, अबॉट का मतलब क्या होता है, मठाधीश होता है, अबॉट का मतलब मठाधीश होता है। और डक, डी यू के डक का मतलब क्या होता है, डी यू के डक का मतलब क्या होता है, ड्यूक, ड्यूक का मतलब होता है शासक, बट पहले स्टडी किए थे भूल गए हैं, अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं। अबॉट,
एबॉट का मतलब, एबॉट का मतलब क्या होता है, एबॉट का मतलब क्या होता है, मठाधीश, और ड्यूक का मतलब क्या होता है, शासक होता है, ड्यूक का मतलब शासक होता है, ड्यूक का डचेस होता है, याद रखिएगा ड्यूक का डचेस होता है। इम्पेरर, इम्पेरर का मतलब ही शासक ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मास्टर, मास्टर बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चंस हैं मर्डरर हो गया, सोर्सर हो गया, तो कल हम इस सब का करा देंगे, ये सब का कल करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत, क्योंकि 1 घंटे हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग 1 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल सम्राट होता है, बिल्कुल सही है, इंपेरर का मतलब सम्राट होता है, बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 0 से 1K तक पहुंचाने के लिए, एमिंग स्टडी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप सभी 100K तक भी पहुंचाएंगे और हमको यूट्यूब से प्राइज भी दिलवाएंगे, अवार्ड भी दिलाएंगे यूट्यूब से। बिल्कुल, तो बिल्कुल जा रहे हैं सिया जी, बिल्कुल जा रहे हैं सिया जी, बिल्कुल जा रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, घर पर ही हैं, जा नहीं रहे हैं, घर पर हैं। तो कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं आप लोग। तो ये वीडियो जो होगा प्राइवेट रहेगा कुछ दिनों के लिए, ये वीडियो आप लोग बता दें कि ये वीडियो कुछ दिनों के लिए प्राइवेट रहेगा, जो ये वीडियो है जेंडर का कुछ दिनों के लिए प्राइवेट, कुछ दिन के लिए मतलब 1 से 2 दिन के लिए प्राइवेट रहेगा, बाकी अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसको यानी दोबारा नहीं देख सकती हैं, दोबारा देखने के लिए आप लोगों को 7438171755 पर मैसेज कीजिएगा। जिनको भी दोबारा देखना होगा वीडियो को 7438171755 पर मैसेज कीजिएगा। तो बिल्कुल जय हिंद जय भारत, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और रोज 8 बजे आप लोग प्रेजेंट हो जाइए हमारे एमिंग स्टडी क्लासेस में, एमिंग स्टडी क्लासेस में आप सभी प्रेजेंट हो जाइए एमिंग स्टडी क्लासेस में। एमिंग स्टडी का इंग्लिश क्लास जो 8 बजे से स्टार्ट होती है, और फिजिक्स की भी क्लास चलती है, बहुत जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं मैथ की भी क्लास, मैथ की भी स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं जो एडवांस लेवल की होगी, और बिल्कुल एयरफोर्स नेवी और एनडीए से रिलेटेड होगी। बिल्कुल जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, बिल्कुल बिल्कुल। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एमिंग स्टडी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल देकर पढ़ाने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जैसे आदित्य पांडे हो गए और भी लोग हो गए जो छोटे छोटे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गार्जियंस के बहुत बहुत आभारी हैं। तो बिल्कुल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बिल्कुल, बाय बाय, सी यू टुमारो, नाइस टू।